सोहियत के क्या माना है? जवाब, दिल से अल्लाह ताला को एक समझने और जबान से उसका इकरार करने को तौहीद कहते हैं। अल्लाह ताला के एक होने का मखलूक को किस तरह इल्म हासिल हुआ? जवाब, अव्वल तो इंसानी अक्ल बशर्ते अक्ल सही है, खुदा ताला के मौजूद होने और उसके एक होने का यकीन रखती है और इसी वजह से दुनिया में जितने बड़े बड़े अक्लमंद और हकीम और फलसफी हुए हैं वो सब खुदा ताला की तौहीद के कायल है। दूसरी है कि खुदा ताला के पैगम्बरों ने बिल इत्तिफाक मखलूक को तौहीद की तालीम दी और बताया कि अल्लाह ताला है कि उस जैसा और कोई दूसरा नहीं। क्या कुरान मजीद में तौहीद की तालीम दी गई है? जवाब, हाँ, कुरान मजीद में तौहीद की तालीम कामिल तरीके और आला दर्जे पर दी गई है, बल्कि आज दुनिया में सिर्फ कुरान मजीद ही ऐसी किताब है जो खालिस तौहीद की तालीम देती है। अगरचे पहली आसमानी किताबों में भी तौहीद की तालीम थी, लेकिन उन तमाम किताबों में लोगों ने तारीफ अदल बदल कर डाली और तौहीद के खिलाफ बातें दाखिल कर दी और खुदा ताला की भेजी हुई आसमानी तालीम को बदल दिया। उसकी सलाह के लिए और सच्ची तौहीद दुनिया में फैलाने के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और अपनी खास किताब कुरान मजीद नाजिल फरमाई। उसमें साफ साफ सच्ची और खालिस तौहीद की तालीम दी। कुरान मजीद की किन आयात से तौहीद साबित होती है? जवाब, तमाम कुरान मजीद में अव्वल से आखिर तक तौहीद की तालीम भरी हुई है। चंद आयतें ये हैं, वइलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, यानी तुम्हारा माबूद एक अल्लाह है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वह बहुत बख्शने वाला मेहरबान है। दूसरी आयत ये है, शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु व उलुल इल्मि कायमन बिल किस्त, यानी खुदा ताला गवाह है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और फरिश्ते और अहले इल्म भी उस बात की गवाही देते हैं। वो इंसाफ कायम रखने वाला है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो गालिब हुकमत वाला है। इसी तरह बेशुमार आयतें खुदा ताला की तौहीद की तालीम देती है।